चोट मुझ में नहीं नितेश में है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? बिरयानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, लेकिन बेटा किचन मैं समेट लूंगी, तू क्यों कर रही है? क्योंकि आज तुम्हारी किचन से छुट्टी है, तुम जाओ आराम करो, मैं किचन समेट दूंगी। अच्छा ठीक है। बेटा नितेश क्यों नहीं आया तेरे साथ? अच्छा है नहीं आया माँ, यहाँ तो चैन मिले। अरे लेकिन बेटा वो लोग क्यों आ गए? घर की नौकरानी और रात में नींद की गोली, बस इतनी जरूरत है उन्हें मेरी माँ। इमोशनल सपोर्ट तो उन्हें अपनी अम्मा से मिल जाता है। क्या हर शादी में ऐसा ही होता है माँ? अरे पानी कहाँ रह गया? पानी लेकर आओ। आई। अब तो बस यही नौकरी बची है। अच्छा सुन, धर्म आज यही रहेगा, उसके घर में कुछ काम चल रहा है, मैं देख लूंगी। क्यों अचानक? क्यों शॉक लग गया? नहीं वो अगर पता होता आप आ रहे तो जनक के लिए वेट करती। कोई नहीं अभी सोते हैं, फिर कर दो मेरी वेट पूरी। हुँ? अभी नहीं। फिर वही बात, चलो आज तुमको माँ बनाते हैं, नई जगह नया माहौल, क्या पता तुम्हारा गुप्त रोग भी दूर हो जाए। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, गुप्त रोग मुझे नहीं आपको है। डॉक्टर ने क्या कहा था उससे माँ को कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पोता चाहिए। मूड खराब कर दिया, लेटो यहाँ पे। अभी नहीं। किसी ने सही कहा है, पैर की जूती पैर में ही सही लगती है। कल घर चलना, फिर मैं उतरता हूँ तुम्हारे तेवर। ठंडी कहेगी। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। छब्बू की माँ सुन रही हो? हेलो। अरे साला नेटवर्क को क्या हो जाता है? अरुणा जी हमारे पीछे शुरू हुआ है, अगली बार जब आप आएंगे तो फिर से। आगे की छोड़ो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो, जाओ यहाँ से। जो कर मेरे आका। क्या हुआ? अरे करुणा अपने कमरे में भी नहीं है और घर में भी नहीं है। अरे इतनी रात को कहाँ जाएगी, मैं एक बार फिर से अंदर देखती हूँ। हाँ
भगवती माँ। चुप करो, नहीं भगवती माँ। ये क्या हुलिया बना लिया तूने? वो तुम सोने चली गई थी तो किचन समेट के कल का राशन लेने में स्टोर रूम आ गई थी, और बदकिस्मती देखो एक चूहा रेंगते हुए बाहर निकला आटे के डब्बे के पीछे से, और आटे का डब्बा आँख का पानी मर गया तेरा? बेहया बेशरम शादीशुदा है तू। ये बात अगर बाहर गई ना तो लोग थूकेंगे हम पर। यही करने आई थी तू? अरे अगर अपने मुंह पे काली पुतवानी थी ना तो अपने ससुराल में पुतवाती, यहां क्यों मरने चली आई? शांत हो जाओ माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई कालक नहीं पुती, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया? मैं तुम्हारे तरह नहीं जी सकती माँ, नहीं बन सकती किसी और के हाथ का खिलौना। अगर मर्द अपनी हसरतें पूरी कर सकता है तो एक औरत का भी हक है कि वो जी ले, महसूस कर सके वो पल जिसका हुनर कुदरत ने एक औरत और एक मर्द दोनों को बराबर का ही दिया है। क्या एक औरत का ये हसरत रखना गलत है माँ? गलत है? Yeah.